सभी को प्यारे साथियों नमस्कार। हम लोग गणित में पढ़ रहे हैं लाभ और हानि को। तीन पार्ट साथियों अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चौथे पार्ट की आज हम लोग बात करेंगे। साथियों आइए इसी क्रम में हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए साथियों, ये रहा साथियों आपका आज का पहला टाइप। टाइप का नाम होगा साथियों जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उन्हें क्रमशः एक्स परसेंट और वाई परसेंट के लाभ अथवा हानि पर बेचा जाए। यहाँ पे साथियों अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपये में खरीदा। यदि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो कुल मिलाकर यहाँ पे साथियों आपसे कह रहा है कि कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ होगा। तो आइए साथियों इस प्रश्न का हम लोग प्रयास करते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को साथियों आपको यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पे साथियों अगर आप ध्यान से देखें तो वस्तुएं आपको दी गई हैं दो, यानी यहाँ पे साथियों आपके पास दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुएं हैं साथियों, दोनों का क्रय मूल्य आपको दिया गया है यहाँ पे बराबर है, यानी दोनों का क्रय मूल्य साथियों यहाँ पर आपको वो दे रहा है कि 1200 रुपये। यहाँ पे साथियों आपसे कहा गया है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो है आपका साथियों 1200 रुपये। दो वस्तुएं हैं साथियों, प्रत्येक का क्रय मूल्य यहाँ पर अगर 1200 रुपये होगा और अगर आप दो वस्तुओं का यहाँ पे साथियों टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपका टोटल सीपी बनेगा साथियों वो आपका हो जाएगा 1200 × 2, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 2400 रुपये। यानी साथियों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुल जो आपका क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 2400 रुपये। यहाँ पे साथियों आपसे वो कह रहा है कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी पहली वस्तु साथियों अगर 1200 रुपये की है, 1200 रुपये की साथियों वस्तु है, अगर आप 10 का लाभ लेंगे यानी आप इसको बेचेंगे साथियों 110/100 में, तो यहाँ पे साथियों आप दो जीरो से दो जीरो काट सकते हो, ये आपका हो जाएगा जीरो। 11 × 2 = 22 की दो हासिल आया दो, और 11 × 11 = 2 = 13। यानी साथियों यहाँ पे जो इसका विक्रय मूल्य रहा होगा वो रहा होगा आपका 1320 रुपये। दूसरी वस्तु के बारे में साथियों यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दूसरी वस्तु को यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचा गया है, यानी साथियों क्रय मूल्य इसका भी 1200 रुपये है। तो अगर 1200 यहाँ पे क्रय मूल्य है, अगर आप 20% का यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लेंगे यानी 120/100 में आपको इसको बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे साथ ही आप दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे तो 12 का आप 12 में गुणा करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 144, और एक साथियों यहाँ पे शून्य है यानी ये आपका हो जाएगा 1440 रुपये। यानी यहाँ पे साथियों आप देख पा रहे हैं कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका होगा 1320 और दूसरी वस्तु का जो यहाँ पे साथियों विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 1440। अगर यहाँ पे साथियों हम टोटल विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो आप यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे, अगर दोनों को साथियों यहाँ पे आप ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा जीरो, ये आपका साथी हो जाएगा 4 × 2 = 6, ये आपका साथी 4 × 3 हो जाएगा 7, और ये आपका साथियों हो जाएगा 1 × 1 = 2। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका कुल विक्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा 2760 रुपये। यहाँ पे साथियों हमने कुल क्रय मूल्य निकाल लिया है, कुल विक्रय मूल्य निकाल लिया है, यानी अब हम यहाँ पर पूरे सौदे में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की गणना साथियों आराम से कर सकते हैं। हमको साथियों यहाँ पे पता है कि सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे यहाँ पर तो ये आपका साथियों हो जाएगा 2400 रुपये। साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा सीपी, और यहाँ पे चूंकि आपने साथियों जोड़ रखा है 2760, ये आपका हो जाएगा एसपी। यहाँ पे अगर आप काटेंगे साथियों तो ये आपका जीरो से जीरो कैंसिल होगा, अगर आप 4 से काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 60, ये आपका हो जाएगा साथियों 4×6 = 24 और 4×9 = 36। साथियों यहाँ पे आप इसको 20 3 से और काट सकते हो, अगर 3 से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, 3 से काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 23। यानी साथियों यहाँ पर क्रय मूल्य अगर 20 रहा होगा तो विक्रय मूल्य हो गया है 23। यानी आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 रुपये का आपको फायदा हुआ है। फायदा साथियों यहाँ पे हमेशा आपको होगा क्रय मूल्य पर, यानी यहाँ पे साथियों जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा 20 पे,
और परसेंट लगाने के लिए हमेशा आपको साथियों गुणा करना होगा 100 से। तो अगर आप साथियों यहां पर 20 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये आपका साथियों आएगा 5 तिहाई 15%। यानी साथियों यहां पे आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल यहां पे प्रॉफिट का परसेंट होगा वो हो जाएगा 15%। लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए साथियों हमें यहां पर इतना समय नहीं गंवाना है, हम एक ट्रिक के माध्यम से साथियों इस प्रश्न को तुरंत कर लेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं साथियों वो ट्रिक आपकी क्या कहती है, बहुत ध्यान से देखें। पहले आप लोग सभी लोग साथियों इस ट्रिक को लिख लेते हैं। आइए ट्रिक कहती है साथियों कि यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा पहली को आप साथियों यक्स परसेंट के लाभ अथवा हानि पर बेच रहे होंगे और दूसरी वस्तु को यहाँ पे आप वाई परसेंट के लाभ या हानि पे आप यहाँ पे साथियों बेच रहे होंगे। तो अगर पूरे सौदे में कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको साथियों यहाँ पर निकालना है तो बहुत ही आसान तरीका होगा आपके लिए कि आप साथियों एक काम करिए, प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, इसको P1L1 कह सकते हैं साथियों, इसको कह सकते हैं P2L2 और बटे में वस्तुओं की संख्या। दो वस्तुएं होंगी साथियों तो यहाँ पे बटे में दो करेंगे, तीन वस्तुएं अगर होंगी साथियों तो यहाँ पे आपको बटे में तीन करना है, अगर चार होगी साथियों यहाँ पर तो आपको बटे में करना होगा चार। जहाँ पे लाभ होगा वहाँ पे साइन आएगा साथियों प्लस का, जहाँ पे हानि होगी वहाँ पे आपका जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। जैसे आपसे यहाँ पे कहा गया है साथियों कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, पहचान क्या होगी कि आपसे साथियों यहाँ पे कहा होगा कि CP दोनों वस्तुओं का बराबर है, यानी CP1 = CP2। ये टाइप साथियों आपको सवाल में पहचान के रूप में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कभी भी आपसे ऐसी बात कहता है तो आप कहेंगे यहाँ पे 10% का लाभ है यानी प्लस का 10%। आपको बताया भी गया है साथियों जहाँ पे लाभ होगा वहाँ पे प्लस का साइन, जहाँ पे हानि होगी वहाँ पे माइनस का साइन। तो आप यहाँ पे कहेंगे पहले वाले पे साथियों प्लस का 10%, दूसरे वाले पे 20% का प्रॉफिट है यानी प्लस का ये आपका हो जाएगा साथियों 20%। बटे में साथियों आपका वस्तुओं की संख्या, तो आप कहेंगे यहाँ पर दो वस्तु है तो बटे में आप कर देंगे यहाँ पर दो, दोनों को ऐड करेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 20 और 10 30, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 30% बटे में दो, दो से आप साथियों काटेंगे तो ये भी आपका आएगा 15%। यानी इतना तामझाम के बजाय अगर हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे चीज़ों को तो हम फायदे में रहेंगे और हमारे समय की भी बचत होगी। जहाँ पे साथियों लाभ की बात करेंगे वहाँ पे हमको प्लस के साथ जाना है, जहाँ पे हानि की बात होगी वहाँ पे हम जाएंगे माइनस के साथ। यहाँ आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो दोनों जगह पे आपसे लाभ ही कहा है, इसीलिए हमने दोनों वैल्यू को जोड़ लिया। बटे में साथियों चूंकि यहाँ पर दो वस्तु की बात हो रही है तो बटे में आपका हो जाएगा दो। इसी क्रम में साथियों आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए साथियों बात करते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 25,000 रुपये में खरीदा, यदि पहली वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा गया हो तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया हो तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है साथियों, जहां पे प्रॉफिट की बात करेगा वहां प्लस, जहां पे लॉस की बात करेगा वहां पे माइनस। समझिए ध्यान से, यहां पे कहा गया है कि पहली वस्तु को 40% के लाभ पर, तो प्रॉफिट है साथियों तो आप कहेंगे प्लस का 40%। फिर साथियों आपसे कहा गया है कि दूसरी को 20 के लाभ पे, यहां भी प्रॉफिट है तो आप कहेंगे प्लस का 20%। बटे में साथियों चूंकि यहां पे दो वस्तुएं हैं तो बटे में आपका यहां पर हो जाएगा दो, दोनों को आप साथियों ऐड करेंगे तो 40 और 20 साथियों ये आपका हो जाएगा 60% बटे में दो, दो से आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 30%। यानी साथियों यहाँ पर जो कुल मिलाकर पूरे सौदे में
लाभ होगा वो आपका साथियों हो जाएगा 30%। आशा करते हैं साथियों ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। इसी क्रम में आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल सेम मिलता जुलता वैसा ही प्रश्न साथियों। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,000 रुपए में खरीदा गया है। यदि पहली वस्तु को साथियों यहाँ पर कहा गया है कि 50% के लाभ पर बेचा गया हो, लाभ है साथियों तो प्लस के साथ आएगा, यानी प्लस का आपका हो जाएगा 50%। और फिर कह रहा है साथियों कि दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर, जहां पर भी आपसे साथियों यहां पर हानि की बात करेगा वहां पे आपको साइन लेना है माइनस का। तो आप कहेंगे साथियों यहां पे आपका हो जाएगा माइनस का 10% बटे में साथियों, चूंकि वस्तुएं यहां पर दो हैं तो बटे में आपका साथी यहां पे हो जाएगा दो। तो आप यहां पे कहेंगे साथियों कि 50 में से 10 गया, ये आपका हो जाएगा 40% बटे में आप साथियों यहां पे लिख देंगे दो, यानी सॉल्व करने पे साथियों ये आपका आएगा 20% का प्रॉफिट। आशा करता हूं साथियों बहुत ही आराम से आप चीजों को समझ रहे हैं। जहां पर लाभ होगा वहां पर प्लस का साइन लेना है, जहां पर हानि की बात होगी वहां पर साइन लेना है माइनस का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहां पर साथियों ये रहा, यहां पर तीन वस्तुओं की बात हो रही है, यानी बटे में साथियों आपका आएगा तीन। आपको बताया गया है साथियों कि जितनी वस्तुओं की आपसे बात करेगा बटे में आपकी वस्तुओं की संख्या ही यहां पर आपको लिखनी होगी। यहां पे साथियों आपसे कहा गया है के रुपए में खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। फिर यहां पे आपसे कहा गया 20% के लाभ पे, लाभ कहेगा साथियों तो प्लस का लेंगे हम, यानी प्लस का यहां पे हो जाएगा 20%। फिर दूसरी को साथियों यहां पे आपसे कहा है 30% के लाभ पे, यानी यहां पे साथियों आपका हो जाएगा प्लस का 30%। तीसरी के बारे में साथी आपसे कहा है कि 10% की हानि पर, हानि की बात करेगा साथियों तो हम लेंगे माइनस का साइन, यानी यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 10%। बटे में साथी आप देख पा रहे हो यहां पे तीन वस्तुएं हैं, तो बटे में हम यहां पे साथियों कर देंगे आपका तीन। तो ये आपका 30 और 20 50 होगा साथियों, 50 में से 10 गया 40 होगा, यानी प्लस का 40% बटे में तीन आएगा साथियों। अगर आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 सही 1/3%, यानी साथियों यहां पर जो आपका उत्तर आएगा वो आएगा 13 सही 1/3% का प्रॉफिट। आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा, सभी लोग इस क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, फिर हम लोग साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए साथियों आइए देखिए, कहा गया है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पे साथियों, यानी आप कहेंगे प्लस का 25%। दूसरी को आपसे साथियों कहा गया है कि 45% के लाभ पर, तो आप यहां पे साथी कहेंगे कि प्लस का 45%। तीसरी के बारे में साथी यहां पे आपसे कहा गया है कि 10% की हानि पर, यानी यहां पे साथी आपका हो जाएगा माइनस का 10% बटे में साथियों, चूंकि यहां पर तीन वस्तुएं हैं तो बटे में आपका साथियों यहां पे आएगा तीन। ऐड करेंगे आप साथियों तो 40, 20, 60 और 10, 70। 70 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे साथियों तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका साथियों हो जाएगा 60% बटे में तीन। ये 60% साथियों यहाँ पे प्लस का होगा। अगर आप तीन से कट करेंगे साथियों तो ये आपका आएगा प्लस का 20%, यानी साथियों यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा प्लस का 20%। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, टाइप कह रहा है साथियों कि जब कोई वस्तु यहाँ पर दो बार बेची जाए, दो बार बेची जाने से पहले साथियों यहाँ पर एक बात समझिए कि कभी भी ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि रुपया साथियों हमेशा यहाँ पर ऊपर आएगा, रुपया हमेशा साथी यहाँ पर आपका ऊपर आएगा और वस्तु हमेशा आपकी नीचे आएगी। साथी रुपया हमेशा ऊपर आएगा और वस्तु आपकी साथियों यहाँ पर नीचे आएगी। और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो फार्मूला आपको यूज करना है साथियों, रुपया बटे वस्तु इनटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे में
100 माइनस का लॉस, 100 प्लस का साथियों प्रॉफिट, बटे में 100 माइनस का लॉस। चलिए साथियों चेक करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि एक रुपए में 9 वस्तुएं। आपको साथियों यहाँ पर बताया गया है कि रुपया हमेशा आएगा ऊपर और वस्तु साथियों यहाँ पर आएगी नीचे। यानी आप कहेंगे कि एक रुपए में, यानी एक आपका ऊपर आएगा साथियों, 9 वस्तुएं हैं तो 9 आपका आएगा नीचे। एक रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर साथियों एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। 100 माइनस यल साथियों यहाँ पर नीचे है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 माइनस का 4। ऊपर साथियों यहाँ पर आपको जो करना है वो करना है 100 प्लस का पी। प्रॉफिट साथियों यहाँ पे 44% का है, यानी 100 और 44 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 144। अब साथियों यहाँ पर इसी को आपको हल करना है तो ये आपका हो जाएगा 1/9 इंटू ये आपका साथियों आप हो जाएगा यहाँ पे 144 और बटे में 96। आप यहाँ पे साथियों काटेंगे तो 16 छक्का 96 और 16 नवैया 144। 9 से साथियों आप काटेंगे तो 9 यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगा कैंसिल, यानी ये साथियों यहाँ पे आपका जो बचेगा वो बचेगा 1/6। आपको साथियों यहाँ पर बताया गया है कि रुपया हमेशा आपका ऊपर आएगा, वस्तु नीचे आएगी। यानी साथियों यहाँ पे एक रुपए में उस व्यक्ति को 6 वस्तुएं बेचनी होंगी। एक रुपए में साथियों यहाँ पर 6 वस्तुएं बेचनी होंगी, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो डी ऑप्शन है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। रुपया साथियों आपको हमेशा रखना है ऊपर, वस्तु आएगी आपकी नीचे। ऊपर 100 में प्रॉफिट को ऐड करेंगे साथियों, नीचे 100 में से लॉस को घटाएंगे और हल करने के बाद हमेशा रुपया आपका ऊपर आएगा साथियों और वस्तु वापस से आ जाएगी नीचे। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सब लोग। चलिए साथियों आइए अगला प्रश्न ये रहा साथियों। कहा गया है कि 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। साथियों यहाँ पर भी आपका जो तरीका होगा वही पुराना वाला ही होगा, बहुत ध्यान से आप समझिए। यहाँ पर सबसे ऊपर साथियों यहाँ पर रुपया आएगा, तो 80 बाल पेन आप बेच रहे हो साथियों 140 रुपए में, यानी 140 और बटे में यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 80। ये बात क्लियर होगी साथियों सबको। इनटू सभी को साथियों पता है कि यहाँ पे ऊपर 100 प्लस का प्रॉफिट आना है। प्रॉफिट साथियों आपको 30% का चाहिए, यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा 130। नीचे साथियों आपका 100 माइनस का लॉस आना है, 30% की यहाँ पे हानि हुई है साथियों। तो 100 में से अगर आप यहाँ पे 30 को माइनस करेंगे तो ये साथियों आपका यहाँ पे हो जाएगा 70। अब साथियों यहाँ पर आपको इसी को काटना होगा। अगर आप यहाँ पर काटेंगे तो 0 से आप 0 को काट देंगे साथियों, 7 से आप यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 × 2 = 14। 0 से आप काटेंगे साथियों तो 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल होगा। 2 से अगर आप यहाँ पे काटेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा साथियों, यानी यहाँ पे ये आपका आ गया 13/4। यानी आप साथियों यहाँ पर कहेंगे कि आपने बताया है कि ऊपर हमेशा रुपया आएगा और नीचे आपकी आएगी वस्तु, यानी यहाँ पे 13 रुपए में 4 वस्तुएं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल में 13 रुपए में नहीं बल्कि आपसे कहा गया है यहाँ पे प्यारे साथी कि 104 रुपए में। तो यहाँ पे आपको एक काम करना होगा साथियों कि आप 13/4 लिखें। 13 यहाँ पे रुपए के रूप में है, तो आपको ये बताना है साथियों कि 13 में हम किससे गुणा करें कि यहाँ पे ये आपका बन जाए 104। तो आप यहाँ पे साथी कहेंगे कि हमें 104 बनाने के लिए यहाँ पर 8 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन साथियों अगर 8 से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 8 से हमको यहाँ पर नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। यानी ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे साथियों, नीचे भी करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 104 और बटे में 8 × 32। यानी साथियों यहाँ पर 104 रुपए में 32 बाल पेन उसको बेचने होंगे। यानी यहाँ पे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से आपका सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की आइए साथियों हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, यहाँ पर कहा गया है कि 20 वस्तुओं को 160 के भाव में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हो जाती है, तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 रुपए में कितनी वस्तुएं यहाँ पर साथियों बेचनी चाहिए। बिल्कुल वही तरीका साथियों यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना होगा, रुपया हमेशा ऊपर आएगा साथियों, यहाँ पे वस्तु आपकी आएगी नीचे। 160 रुपए में साथियों यहाँ पर आपको कहा गया है 20 वस्तु, 160 रुपया ऊपर साथियों यहाँ पे आ गया, 20 वस्तु आपकी आ गई नीचे, रुपया बटे वस्तु। इसके बाद साथियों आपसे कह रहा है कि 20% की हानि हुई है, यानी 100 में से 20 गया 80 हो गया साथियों, और आपको 20 का लाभ चाहिए, यानी 100 और 20 ये आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 120। अब अगर आप यहाँ पर साथियों काटेंगे तो यहाँ पे आपका जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, 120 को अगर साथियों यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे साथियों हो जाएगा 240 और बटे में 20। काटने से पहले साथियों हम लोग एक बार ध्यान देंगे रुपए की ओर, क्या 240 रुपए ही तो नहीं कहा है? तो आप साथियों यहाँ पर देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर आपसे 240 रुपए में ही कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 240 रुपए में यहाँ पर 20 वस्तुओं को बेचना होगा, यानी साथियों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। सभी लोग साथियों इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए साथियों आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपके लिए प्यारे साथी अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा, कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, तो 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे उसको बेचने चाहिए। तो यहाँ पे आप साथियों कहेंगे कि 1 रुपए में 36 संतरे की बात हो रही है, तो रुपया ऊपर आएगा साथियों, यहाँ पे वस्तु आएगी नीचे। 8% का साथियों लाभ कमाना है, यानी ये आपका हो जाएगा 108, और 4% की हानि होती है, 100 में से 4 गया साथियों, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 96। अगर आप साथियों काटेंगे तो 36 × 108 सीधा सीधा 3 से आप 96 को काटेंगे साथियों, ये आपका हो जाएगा 32, यानी यहाँ पे साथियों ये आपका आएगा 1/32, यानी आप कह सकते हैं कि 1 रुपए में उस व्यक्ति को 32 संतरे बेचने होंगे, यानी यहाँ पे साथियों आपका जो सी ऑप्शन है वो पूरी तरह से साथियों यहाँ पर राइट होगा, सही होगा। आशा करता हूं साथियों इस क्वेश्चन को आप सब ने समझ लिया होगा, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है साथियों, फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए साथियों आइए आगे चलते हैं। आइए साथियों हम लोग प्रश्न को पहले लिखते हैं, फिर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से आपको यहां पर समझना होगा। क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 2 के भाव से 1 रुपए में 2 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदी 3 के भाव से खरीदी और अंत में साथियों आपसे यहां पर कहा गया है कि अंत में दोनों को मिलाकर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। तो आपको साथियों यहाँ पर बताना है कि या तो लाभ होगा या तो हानि, अगर होगा साथियों यहाँ पर तो कितने परसेंट का होगा। ये बात प्यारे साथी यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि या तो लाभ का परसेंट आपको बताना है या तो हानि का परसेंट, दो में से प्यारे साथी यहाँ पे जो भी होगा उसका परसेंट आपको बताना है। तो यहाँ पे साथियों आइए इस बात को समझते हैं कि इस प्रश्न को हमें यहाँ पर कैसे लगाना है।
साथियों एक बात मैंने आपको अभी भी बताई है कि हमेशा आपका जो रुपया होगा वो ऊपर आएगा, वस्तु यहाँ पे साथियों आपकी आएगी नीचे। तो अगर आप साथियों यहाँ पर प्रश्न को पढ़ें तो शुरुआत में एक रुपये में दो के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं, यानी साथियों मैं कह सकता हूँ कि रुपया ऊपर यानी एक रुपया ऊपर और दो के भाव से वस्तुएं खरीदी गई हैं साथियों, तो ये आपका हो जाएगा एक बटे दो। फिर आपसे कहा गया है साथियों कि उतनी ही वस्तुएं दो रुपये में तीन के भाव से, यानी दो रुपये में साथियों तीन के भाव से उतनी ही वस्तुएं खरीदी गई हैं। फिर अंत में आपसे कहा गया है इन दोनों को मिलाकर चार रुपये में पाँच के भाव से यहाँ पर बेच दिया गया है साथियों। मिलाएंगे साथियों तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा आपको, दोनों की मात्रा समान है साथियों यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 1:1 का, क्योंकि आपसे यहाँ पर कहा गया है साथियों कि दोनों की जो मात्राएं हैं वो हैं बराबर, तो 1:1 में साथियों यहाँ पे इनका रेशियो है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका एक और एक मिलकर हो जाएगा दो, यानी साथियों बाद में यहाँ पे जो इनका रेशियो हो गया वो यहाँ पे हो गया दो। अब यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे साथियों तो ये आपका 3 2 2 4 4 3 7 हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा 7/6, यहाँ पे एरो लगाएंगे तो ये आपका साथियों 4 2 8 और बटे में ये आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे साथियों आपको गुणा कराना पड़ेगा, क्रॉस गुणा आप कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 7 35 और साथियों ये आपका हो जाएगा 6 48। यहाँ पे साथियों आपका बाई ओर क्रय मूल्य आएगा और दाहिनी ओर यहाँ पे साथियों आ जाएगा विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे साथियों 35 रुपये में आपने किसी सामान को खरीदा है और 48 रुपये में बेच दिया है। तो आप साथियों यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 13 रुपये का आपको फायदा हो रहा होगा, 13 रुपये का साथियों फायदा आपको हमेशा क्रय मूल्य यानी 35 पर ही होगा, और परसेंट लगाने के लिए यहाँ पे साथी आपको गुणा करना है 100 से, तो अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 7 35, ये आपका साथियों हो जाएगा 20 25 100, यानी साथियों ये आपका हो जाएगा 260 और बटे में 7%। यही साथियों यहाँ पर आपका इसका उत्तर होगा 260 और बटे में 7%। सभी लोग साथियों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए साथियों आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर ये रहा बिल्कुल वैसा ही। एक व्यक्ति ने 2 रुपये में तीन के भाव से 2 रुपये में तीन के भाव से कुछ फल खरीदे और उतने ही फल, और साथियों यहाँ पे कहा गया है उतने ही फल 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, 3 रुपये में 4 के भाव से खरीदे, अंत में सबको मिलाया और 6 रुपये में 7 के भाव से बेच दिया साथियों। फिर आपसे वो यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत का कुल मिलाकर या तो लाभ या तो हानि होगी साथियों, यहाँ पर ये बात आपको बतानी है कि ओवरऑल साथियों यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप सभी को इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, हम कल इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम एक ऐसा ही प्रश्न मैंने इसके पहले करवा दिया है, तो हम आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठाक दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए होमवर्क रहेगा, मिलते हैं साथियों कल इसी समय आपसे, तब तक के लिए साथियों सभी को नमस्कार।